हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर्मार्थ शिक्षा निकेतन। सो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन बाई स्फेरिकल लेंसेस। ओके, सो हम लेंस पढ़ने जा रहे हैं और उससे देखेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, यू माइट हैव सीन वॉच मेकर्स यूजिंग अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टिनी पार्ट्स। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो वॉच मेकर्स होते हैं, जो घड़ी बनाने वाले होते हैं, वो एक स्मॉल छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए, ऐसे आंखों में लगा देते हैं उस ग्लास को, उसके बाद वो देखते हैं ना घड़ी में क्या प्रॉब्लम हुई है। हैव यू एवर टच्ड द सरफेस ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास विथ योर हैंड? क्या आपने कभी भी इस तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास जो आता है, जिसको हाथ में पकड़कर हम देखते हैं, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं ना, वॉचमेकर्स भी यूज करते हैं, क्या इसको आपने छू करके देखा है इसका सरफेस कैसा होता है? तो जब आप इसको छू करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बीच में या तो उभरा हुआ होगा या फिर दबा हुआ होगा। ठीक है, द ग्लासेस यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स एंड दैट बाई अ वॉचमेकर आर एग्जांपल्स ऑफ लेंसेज। तो ये जो ग्लासेस यूज होते हैं स्पेक्टेकल्स में, चश्मों में जो यूज होते हैं, या फिर जो वॉचमेकर यूज करता है, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो सब एग्जांपल है किसके, लेंसेज के। ठीक, व्हाट इज लेंस? अब ये लेंस क्या है ये जरा समझते हैं। हाउ डज इट बेंड लाइट रेज? किस तरीके से लाइट रे को बेंड करता है, प्रकाश की किरणों को मोड़ता है? वी शैल डिस्कस दीज इन दिस सेक्शन। हम इस सेक्शन में ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. तो एक लेंस क्या होता है, अगर उसकी डेफिनेशन आपको बतानी हो तो ये डेफिनेशन है। क्या है कि a transparent material, सबसे पहली बात तो ये कि एक transparent material है bound by two surfaces, दो सरफेस से bound होता है। ठीक है, इधर एक सरफेस होगा, इधर एक सरफेस होगा, of which वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, जिसमें से कोई एक सरफेस या दोनों सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है, हम लोग यहाँ पे बना के देखें, जैसे कि ये है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे अगर बनाऊं कि एक सरफेस हमारा प्लेन है और दूसरा सरफेस क्या, स्फेरिकल है। ठीक, तो ये भी क्या, ये भी लेंस है। ऐसे हो सकता है कि दोनों सरफेस स्फेरिकल हो, ठीक है ना, इस तरीके से। ऐसे हो सकता है कि एक सरफेस ऐसे हो, दूसरा सरफेस ऐसे हो। ठीक है, अभी मैंने इधर का प्लेन बनाया था, ये हो सकता है कि इधर वाला सरफेस ऐसे हो, ठीक है, और दूसरा सरफेस प्लेन हो, तो ये भी पॉसिबल है। ये हो सकता है कि एक सरफेस इस तरीके से हो और दूसरा सरफेस प्लेन हो, ऐसे ही पॉसिबल है। और ये हो सकता है कि इधर वाला सरफेस क्या हो, प्लेन हो, और इधर वाला सरफेस क्या है, स्फेरिकल हो, इस तरीके से। तो ये सब क्या है, एग्जांपल है किसके, लेंसेज के। इसे हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसे क्या बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स, क्योंकि इधर से भी और इधर से भी कॉन्वेक्स है ना। कॉन्वेक्स क्या होता है, जो बीच में उभरा हुआ हो, बीच में क्या हो, उभरा हुआ हो और किनारे किनारे पर दबा हुआ, जब किनारे किनारे पतला है, ठीक है, और बीच में मोटा है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है कॉनकेव, कॉनकेव, किनारों किनारों पर मोटा होगा, है ना, यहाँ पे ज्यादा मोटा है, फिकर है, और यहाँ पे क्या है, पतला है। ठीक है, तो ये डबल कॉनकेव है, ये डबल कॉन्वेक्स है, दोनों साइड से है। ठीक है, और अगर एक साइड से होगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे सिंगल बोलेंगे। ठीक, एक साइड प्लेन होगा और एक साइड कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाई एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। तो जो लेंस होता है वो कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होता है। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। तो एक सरफेस स्फेरिकल होगा तो दूसरा सरफेस क्या होगा, प्लेन होगा, या तो दोनों स्फेरिकल हो या तो एक प्लेन हो और एक स्फेरिकल हो। ठीक है, अ लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेस बल्गिंग आउटवर्ड, सच अ लेंस इज कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेस ऐसे हो कि दोनों बाहर की तरफ हो, इस तरीके से ना, तो उसको हम बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये हम लोग देख चुके हैं, इट इज सिंपली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, केवल और केवल कॉन्वेक्स लेंस ही इसको कहा जाता है।
इट इज थिकर एट द मिडिल एज कंपेयर टू द एजेस। तो अगर हम एजेस से कंपेयर करें, किनारों से कंपेयर करें, तो ये मिडिल में ज्यादा मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना। कॉन्वेक्स लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज एज शोन इन फिगर 10.1। तो ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ज कर देते हैं लाइट रे को, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है। जैसे ये रेज आ रही है ना, इन सब को क्या करेगा, वो एक पॉइंट पे यहाँ पे लाके मिला दे रहा है, यहाँ पे मिला दे रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। हेंस कॉन्वेक्स लेंसेज आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज। इसलिए कॉन्वेक्स लेंसेज को हम कन्वर्जिंग लेंसेज भी बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अ डबल कॉनकेव लेंस इज बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स। तो ऐसी, अब ये डबल कॉनकेव कैसे होता है कि दो स्फेरिकल सरफेस होती हैं जो इनवर्ड होती है, ठीक है ना, इनवर्ड की तरफ होती है, अंदर की तरफ दबी हुई होती है, ठीक। और ये क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है रेज को, ये रेज पैरेलल रेज आ रही है तो इसको डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा उनको, ठीक है। एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं करता है, फैला देता है, ठीक है। इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। क्या, कॉनकेव लेंस जो होगा उसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। अ डबल कॉनकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड अ कॉनकेव लेंस। तो चाहे हम कॉनकेव लेंस बोलें और चाहे डबल कॉनकेव लेंस। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, ए लेंस ईदर अ कॉनकेव लेंस और अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस। तो दोनों में ही दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। तो ये जो दो सरफेस होती हैं उनमें से दोनों सरफेसेस क्या होती हैं कि एक स्फीयर का पार्ट होती है, ठीक। अगर हम जैसे कि हम बात करें इसकी, ये है, ठीक है, ये कॉनकेव है, तो यहाँ से ये जो सरफेस दिख रहा है ये एक स्फीयर का पार्ट है। यहाँ से एक ऐसे स्फीयर ड्रा कर सकते हैं, है ना, उसका ये पार्ट है और ये दूसरे स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। तो अब जो दोनों स्फीयर के पार्ट हैं तो उस स्फीयर का अपना क्या होगा, सेंटर भी होगा, ठीक है। एक सेंटर ये होगा और ये एक सेंटर इसका होगा, तो ये बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर्स ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेज। तो लेंसेज के सेंटर ऑफ कर्वेचर कहे जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बना के दिखाऊं, तो मान लो कि इस टाइप का हमारे पास लेंस है, ये कॉनकेव लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से मैंने बना लिया, ये अपना क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो यहाँ पर एक जो सरफेस है ये एक स्फेरिकल स्फीयर का पार्ट होगी, ठीक, ये इस स्फीयर का पार्ट है, एक स्फीयर बना लो यहाँ से, ठीक है ना। अब ये इसका एक पार्ट है तो इसका अपना सेंटर भी होगा ना, ये जो सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और दूसरा भी तो पार्ट होगा, दूसरा भी तो एक स्फीयर का पार्ट है, दूसरा सरफेस, तो ये सरफेस भी एक स्फीयर का पार्ट होता है। तो यहाँ से अगर हम ये स्फीयर बनाएंगे, ठीक है, तो दूसरा सेंटर हमको मिल जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो हर एक लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। जैसे कि इस कॉन्वेक्स लेंस के दो हो गए ना, एक ये हो गया C1 और एक ये हो गया C2। ऐसे अगर मैं इस टाइप का लेंस बनाऊंगा, ठीक है, इसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस, तो इसका भी अपना क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इस सरफेस का और इस सरफेस का। तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। तो कुल मिलाकर के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई इमेजिनरी लाइन जो इधर वाले सेंटर, सेंटर 1 से लेकर के सेंटर 2 तक पास करे, ठीक है, मिरर लेंस के सेंटर 1 और सेंटर 2 को पास करे, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंसेज। तो एक अगर इमेजिनरी लाइन हम सपोज करें जो सेंटर 1 से सेंटर 2 को ज्वाइन करे, ठीक है ना, सेंटर 1 से सेंटर 2 को जो ज्वाइन करे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका अगर यहां से देखें, ये अगर एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस, ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना।
प्रिंसिपल एक्सिस पे जो मिड पॉइंट होगा उसे बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जब ऑप्टिकल सेंटर से रेज आएगी, ऐसे कोई रे आ रही है जो कहाँ पर गिरे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाए, तो अपने ही रास्ते पर सीधे निकल जाएगी ना रिफ्लेक्शन के बाद, वो डेविएट नहीं होगी। और एक और चीज देखना है हमको कि ये जो आउटलाइन है, ठीक है, ये आउटर आउटलाइन है, इसका अगर डायमीटर हो, डायमीटर मतलब ये चीज जो है, ठीक है, ये चीज इसको बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर, ठीक है ना, अपर्चर, ठीक, तो अपर्चर हम बोलते हैं। और ये अपर्चर हम कोशिश करते हैं कि बहुत कम रहे, ठीक है ना, बहुत कम रहे एज कम्पेयर टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके कंपेयर में ये बहुत कम रहे। यहाँ पर भी ज्यादा बना दिया है, ठीक है, हम लोग ऐसे ही लेंस को पढ़ेंगे जिसमें अपर्चर बहुत कम कम रहे, ये जैसे कि ये है, ठीक है ना, इसका अपर्चर बहुत कम, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं थिन लेंसेस। क्या बोलते हैं? थिन लेंस। तो ऐसा लेंस जिसकी अपर्चर बहुत पतली होगी, बहुत कम होगी, उसे थिन लेंस बोलेंगे। और होगा क्या कि थिन लेंस में ये चीज एकदम इफेक्टिवली हमको शो होगी कि अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से रे पास हो रही है तो वो सीधे ही क्या होगी, निकल जाएगी, ठीक है, वो ज्यादा डेविएट नहीं होगी। ऐसा कब होता है? जब हमारा अपर्चर बहुत कम। ठीक, एक और चीज ध्यान में रखनी है, ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ से ये दोनों सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होगी, ठीक है, सेंटर वन और सेंटर टू, इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी, इक्वी डिस्टेंस होते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास कोई लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, वो कॉनकेव लेंस भी हो सकता है, कोई भी लेंस मान लो, ठीक है, तो उसका क्या बिहेवियर है जब उस पर पैरेलल रेज पड़ रही है तब, ठीक है, जब पैरेलल रेज आती हैं उस लेंस पर, उसका क्या बिहेवियर? तो उसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, वो जरा एक्टिविटी आप देखें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी क्या है, 10.11, कॉशन क्या है इसमें, इसमें सावधानी क्या बरतनी है वो जरा देखें। डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और थ्रू अ लेंस वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी और अदरवाइज, तो आप सन को मत देखें, कुल मिलाकर के सन की तरफ मत देखें इस एक्टिविटी को करते हुए, नहीं तो आप अपनी लाइट क्या करेंगे, आंखों को डैमेज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइट रेज डायरेक्टली आंखों पर पड़ेंगी तो फिर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तो आप इसमें करना क्या है, इसमें करना यह है कि होल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस इन योर हैंड, अपने हाथ में एक कॉन्वेक्स लेंस पकड़ लें, डायरेक्ट इट टुवर्ड द सन, इसको सन की तरफ डायरेक्ट कर लें, फोकस द लाइट फ्रॉम द सन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, तो सन से जो लाइट आ रही है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के बाद उस लाइट को आप फोकस करें किसी पेपर पे, किसी पेपर पे, हल्के पेपर पे आप फोकस करें, ऑब्टेन अ शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द सन, इस तरीके से फोकस करें उस अपने कॉनकेव लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को, जिससे कि वो जो लाइट रे आ रही है वो किसी एक पॉइंट पर, वो जो कागज आपने रखा है, जो पेपर आपने रखा है, उस किसी पॉइंट पर सब इकट्ठा हो जाए, ठीक है, और वहीं पर सन का एक इमेज फॉर्म हो, इस तरीके से आप उसको प्लेस करें। होल्ड द पेपर एंड द लेंस इन द सेम पोजिशन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आप पेपर को और जो आपने लेंस लिया है उसको वैसे ही रखें, ठीक है, कीप ऑब्जर्विंग द पेपर, आप पेपर को देखते रहें क्या होता है, ये जो इमेज बन रही है सन की या जो रेज आ रही है जो इकट्ठे हो जा रही है उस पॉइंट पे, क्या होगा कि उस वो पॉइंट जो है थोड़ी देर में वहां जलने लगेगा, कागज जो है वो जल जाएगा, वहां से धुआं निकलने लगेगा, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा? द पेपर बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, ठीक है, जो पेपर है वो जलने लगेगा और वहां पे धुआं निकलने लगेगा, स्मोक जो है प्रोड्यूस होगा, इट मे इवन कैच फायर आफ्टर अ वाइल, अगर आप काफी देर तक ऐसे रखे रहेंगे तो हो सकता है कि वो आग पकड़ ले, है ना। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है? द लाइट फ्रॉम द सन कॉन्स्टिट्यूट्स पैरेलल रेज ऑफ लाइट, तो जो लाइट आ रही है सन से वो क्या होता है, वो पैरेलल रेज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, ठीक है ना, दीज रेज वेयर कन्वर्ज बाय द लेंस एट द शार्प ब्राइट स्पॉट फॉर्म ऑन द पेपर, तो जब आपने कॉन्वेक्स लेंस से पास किया तो कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया कि सबको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया, सारे रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे पैरेलल रेज आ रही हैं, तो इन सारी रेज को क्या करेगा, एक पॉइंट पे इकट्ठा कर, जब एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा तो वहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक
ठीक है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हीट होती है सनलाइट में, तो क्या करेगा वो उस कागज को धीरे धीरे हीट कर देगा। ठीक, इन फैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गॉट ऑन द पेपर इज अ रियल इमेज ऑफ द सन। तो जो हम पेपर पे स्पॉट देखते हैं जहाँ पर लाइट रेज आकर के मिल रही हैं, वो क्या होता है, वो सन का इमेज होता है, क्योंकि इमेज रेज कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे इकट्ठा हो रही है, उस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट क्या हो गया, सन का रियल इमेज हो गया। द कंसेंट्रेशन ऑफ द सन लाइट एट अ पॉइंट जनरेट हीट। तो एक पॉइंट पर जब सारी की सारी रेज इकट्ठा हो जाएगी, कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो हीट को जनरेट करेगी। दिस कॉज्ड द पेपर टू बर्न, इस कारण से पेपर जो है वो जलने लगता है। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, पैरेलल रेज आएंगी तो उनको एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देगा। ठीक, नाउ वी शैल कंसीडर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पास सच रेज ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस। तो अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, ये जो रेज आ रही हैं ये आपस में तो पैरेलल हैं ही, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। जब ऐसी रेज पास होती हैं लेंस से, तो क्या होता है कि लेंस उनको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा, ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, कन्वर्ज कर देगा। और या तो फिर अगर कॉन्केव लेंस होगा तो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज जाएंगी कि ऐसा लगे कि ये सारी रेज किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, जैसे कि यहाँ से आ रही हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। जहाँ पर रेज फोकस हो जाए, ठीक है ना, जो पैरेलल रेज हैं वो फोकस हो जाए एक्चुअली में, या फिर फोकस होती हमको महसूस हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस इधर हो गया ना F1, इधर भी एक प्रिंसिपल फोकस होगा, इधर भी एक प्रिंसिपल फोकस होगा। इधर कैसे होगा, जब रेज इधर से आएंगी, जब रेज इधर से आएंगी पैरेलल रेज, तो यहाँ पर इकट्ठे होंगी, जब इधर से आ रही है तो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए दो दो फोकस होंगे। ठीक है, यहाँ भी दो फोकस होगा। ऑब्जर्व फिगर, जो भी हम लोगों ने फिगर देखा उसी की बात कर रहा है। सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस। बहुत सारी लाइट रे हैं जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कॉन्वेक्स लेंस पर आ रही हैं। दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। लेट अस सी नाउ द एक्शन ऑफ अ कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का हम लोगों ने देखा, आप कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो वही जो चीजें मैंने आपको बताई ये फिगर में। ठीक है, अब ये कन्वर्ज हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इधर से रेज आएंगे तो यहाँ पे कन्वर्ज होंगी, तो F1 हो गया, ये F2 हो गया, दो फोकस होंगे। ठीक है, ऐसे ही कॉन्केव लेंस में होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या है। इफ यू पास पैरेलल रेज फ्रॉम द अपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस। ठीक है, अपोजिट सरफेस करेंगे तो नया पॉइंट मिल जाएगा, वही बात यहाँ पर बोला गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होती है और उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्या है, ये जरा समझ लेते हैं। लेंसेज फॉर्म इमेजेस बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट। लाइट को रिफ्रैक्ट करने के बाद जो है इमेज बनती है, यानी कि रिफ्रैक्शन से इमेज बनती है लेंस से। ठीक है, हाउ डू लेंसेज फॉर्म इमेज, व्हाट इज देयर नेचर, लेट अस स्टडी दिस फॉर अ कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी क्या है समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लो, फाइंड इट्स अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ इन अ वे डिस्क्राइब इन एक्टिविटी 10.11। तो जो 10.11 की एक्टिविटी डिस्क्राइब की थी, क्या थी, कि आप उसको सनलाइट में रख लें और सारी की सारी लाइट रे को एक पॉइंट पे फोकस करें। तो बताओ भाई, जो लाइट रेज आती हैं क्या आती हैं, पैरेलल आती हैं। जब हम उनको यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस रख लेंगे रास्ते में, तो फोकस किस पॉइंट पे करेगा, वो फोकस पे ही तो फोकस करेगा, प्रिंसिपल फोकस पे। तो इस तरीके से प्रिंसिपल फोकस हम फाइंड आउट कर लेंगे। और एक एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, तो मान लो आपने कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे रख दिया, ठीक, अभी सनलाइट है, इधर सनलाइट आ रही है पूरी की पूरी पैरेलल, तो ये क्या करेगा, एक पॉइंट पे क्या कर देगा, सारी रेस को फोकस कर देगा। ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल फोकस होगा F। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बताया था कि दो फोकस होंगे ना, एक यहाँ पे होगा F2, एक यहाँ पर क्या होगा F1। तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर है, इसके बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ F। इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ F होता है। और ये दोनों सेम होता है, इधर का और इधर का। ठीक है, अगर ये
आइडियल कॉन्वेक्स लेंस है, तब नहीं तो कहीं कहीं पर चेंज भी होता है, एफ वन एफ टू होता है। अभी के लिए हम मान कर रहे हैं कि दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ पर भी एफ है और ये भी एफ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फोकस कर देगा, तो ये जो पॉइंट मिला ये क्या है, ये प्रिंसिपल फोकस है, और यहाँ से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। इसे क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। हम ये मान के चलते हैं कि फोकल लेंथ एफ है, या फिर ऑप्टेन कर लेंगे उस मेथड से कि हमने क्या किया, सनलाइट के सन के रास्ते में हमने इसको रख दिया, ठीक है, सनलाइट में, तो इसने क्या किया, एक पॉइंट पे फोकस कर दिया, वहां से वहां तक की डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगी, हमें फोकल लेंथ पता चल जाएगी उस लेंस की, ठीक है। तो उसके बाद बोला जा रहा है, ड्रा द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस यूजिंग चाक ऑन अ लॉन्ग टेबल सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव लाइंस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। Place the lens on a lens stand. Place it on the central line such that the optical center of the lens lies just over the line. So image formation को समझने के लिए हम ray diagram समझते हैं, ठीक है, अच्छे से ray diagram देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे cases दे रखे हैं कि different different cases पे कहाँ कहाँ पे बनेंगी, तो अभी हम पहले ray diagram समझ लेते हैं, उसके बाद ये table देख लेंगे, तो हमको एकदम clearly idea हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग को देखनी है, जैसे कि ये क्या इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को समझते हैं, मान लेते हैं कि अगर पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, इस वाले फोकस से होकर जाएगी, और अगर इधर से आ रही होगी तो इस वाले फोकस से होकर जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पर पैरेलल रेज है, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी ना, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगा कि लगे कि ये पिछले वाले फोकस से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूल्स हैं समझ लो इमेज फॉर्मेशन के, जिससे कि रे रे डायग्राम हम फॉर्म करेंगे और हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये रे कहाँ से जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब ये इस तरीके से आ रही है कि ये एक इस वाले फोकस की तरफ लगे, है ना, इस वाले फोकस की तरफ जाती हुई लग रही है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। फोकस की तरफ जाए या फोकस से होकर के जाए, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल आए तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, ठीक है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे जा रही है तो वो सीधी चली जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। यहाँ पर भी जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो डायरेक्टली सीधे चली जाएगी, उसमें भी कोई डेविएशन नहीं होगा। तो ये कुछ रूल्स थे जो हम लोगों को ध्यान में रखने हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। अगर मान लेते हैं कि एट इनफाइनाइट है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट है, तो जो रेज आएंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी आपस में, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना मिरर में जब देखा था तब, कि जो रेज होंगी पैरेलल होंगी, और पैरेलल रेज हैं तो वो सब कहाँ जा इकट्ठे होंगी, फोकस पर इकट्ठे होंगी, यानी कि पूरी इनफाइनाइट लेंथ पर कितनी भी बड़ी ऑब्जेक्ट हो, कैसे भी ऑब्जेक्ट हो, उसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर एक पॉइंट के जैसा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला केस। दूसरा केस मान लेते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट ए बी है वो फोकस, ठीक है ना, इस फोकस के टू टाइम्स, फोकल लेंथ की टू टाइम्स डिस्टेंस से भी दूर रखा हुआ है और इनफाइनाइट के बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से दो रे हमने ली, एक रे हो गई हमारी पैरेलल जो चली, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली, ठीक है, वो क्या हुई, वो रिफ्रेक्शन के बाद फोकस से होकर के गई, ठीक है। और एक रे हमने ली जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे निकल जाएगी, तो ये रिफ्रेक्शन के बाद ये सीधे चली जा रही है, रिफ्रेक्शन के बाद इधर फोकस होकर जा रही है, दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा इमेज, इस पॉइंट ए का इमेज यहाँ पर बनेगा, इसको बोलेंगे ए डैश। और बी का इमेज बनाने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, एक पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये बी का इमेज बन जाएगा, बी डैश। तो कुल मिलाकर के ए बी का जो इमेज है वो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो ये इस तरीके से इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। कहाँ पर बन रहा है ये भी जरा देख लो आप, जब ये ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड रखी थी, 2f से दूर रखी थी, तो इमेज हमारा 2f से पहले बन रहा है। अब मैं इसको और इधर लेके आऊंगा, अभी इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस पे, फोकस से और इधर खिसक गया, फोकस और 2f के बीच में आ गया, ठीक है, फोकस और 2f के बीच में आ गया। अब मैं इमेज को ऑब्जेक्ट को और इधर लेके आऊंगा तो इमेज और इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब 2f पे रख दिया, जब 2f पे इमेज ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो एक पैरेलल ले लो, पैरेलल रे जो है वो फोकस से होकर जाएगी, फोकस चली गई, और एक रे जो हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधे चली जाएगी, ठीक है, दोनों यहाँ पर मिली। और जब इनको मिला करके देखेंगे तो 2f पर ऑब्जेक्ट भी रखी थी और 2f पर ही हमको इमेज ही मिलेगा,
इमेज कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, रियल होगा क्योंकि रियली में मिल रही है और 2F पर ही बनेगा, ठीक है, सेम साइज का होगा, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको इधर लेकर के आऊँ और एक चीज देख लें साइज साइज में, तो साइज में जब इनफाइनाइट पे थे तो बहुत छोटा था, ठीक है, और जब थोड़ा सा इधर बनी, जब हम इधर लेकर के आए ऑब्जेक्ट को, तो कैसी बनी, थोड़ी से छोटी साइज की बन रहा है, ये ज्यादा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। जब हमने 2F पर रख दिया, जब हम 2F पर रख देंगे तो एकदम सेम साइज का बनेगा, और जब मैं करीब लेके आऊंगा तब इमेज बड़ा बनेगा, ठीक है। तो अब मैं 2F और F के बीच अपनी ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, पैरेलल रे लूंगा, फोकस से उतर जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से जो है सीधे निकल जाएगी, यहाँ पर मिलेगी, इनको जब मिलाऊंगा तो ये देख रहे हो साइज भी बड़ा हो रहा है और साथ साथ ये 2F के बियॉन्ड बनेगा। जब मैं 2F से पहले आ गया तो ये 2F के बाद में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, जब मैं फोकस पर रखूंगा तो वो इनफाइनाइट में बनेगा, है ना। यहाँ पर आप देखो, जब मैंने फोकस पर रख दी ऑब्जेक्ट को, तो पैरेलली फोकस से जाएगी, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चली जाएगी, ये दोनों पैरेलल हो गई, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गई। तो पैरेलल आपस में कहाँ पर मिलती है, मान सकते हैं कि इनफाइनाइट में मिलेगी, तो हम ये बोलेंगे कि इनफाइनाइट पर इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन हमने अज्यूम किया कि एफ और ओ के बीच में हो, एफ और ओ के बीच में कहीं हमने ले लिया ए, तो पैरेलल रे लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से जानी ही जानी है, फोकस से जाएगी, और दूसरी हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर सीधे चली जाएगी, इनके बीच का गैप धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, इसलिए हम जब इनको पीछे बढ़ाएंगे तो हमको लगेगा कि यहाँ पर मिल रही है। तो इस सिचुएशन पर जो हमको इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वो वर्चुअल होगा, रियली में नहीं मिलेंगी ना, रियली में रेज इधर जा रही है, हमको ऐसा लगेगा अगर हम पीछे बढ़ाए तो यहाँ पर मिलेंगे, ये वर्चुअल इमेज है और बहुत बड़ा है, छोटी सी ऑब्जेक्ट दिख रही है और इमेज बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो एनलार्ज इमेज बनता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे जिससे कि इमेज फॉर्म होता है, ऐसे ही सेम हम कॉनकेव के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव के लिए यहाँ पर देखो दिखाया गया है, तो एक सिचुएशन है जब इनफाइनाइट पर होगी तो रेस पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आएंगी तो इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि हमको लगे कि इस पॉइंट से जा रहा है, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है, एफ वन पर, क्योंकि वर्चुअली में रेज यहाँ पे मिल रही है ना, रियली में नहीं मिलेंगे, रियली में तो फैल जा रहा है ना। और अगर मान लें कि 2F और F के बीच में है ऑब्जेक्ट, ठीक है, 2F और F के बीच में है, तो कहाँ से पैरेलल ले लेंगे, ऐसे चली जाएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर जा रही है, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो वो सीधे चली जाएगी ना अपने रास्ते पे, ठीक है, डेविएट नहीं होगी, ये दोनों यहीं पर मिलते हुए दिखेंगे, तो यहीं पर हमको इमेज फॉर्म होगा, कितने भी केसेस चाहे जो केस ले लें हम, यहीं पर हमको इमेज फॉर्म होगा, मिलेगा एफ और ओ के बीच में, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में यही दो ही सिचुएशन है, अगर इनफाइनाइट पर होगा तो फोकस पर बनेगा, पॉइंट वाइज बनेगा, ठीक है, नेचर कैसा होगा, वही साइज एकदम पॉइंट के जैसा होगा, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, रियली में बन नहीं रहा है, ठीक, और इरेक्ट बनेगा सीधा, हम ये मान चलेंगे कि सीधा यहाँ पर बनता है। और अगर यहाँ पर होगा, फोकस के बियॉन्ड होगा, कहीं पर भी होगा, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस से इधर बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, छोटी होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी, क्योंकि रियली में नहीं मिल रही है ना रेस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे, यहीं पर टेबुलर फॉर्म में इसको लिखा हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए कैसे बनेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कॉनकेव लेंस से, ठीक है, कॉनकेव लेंस से, तो इन्फिनिटी पर होगा तो एट फोकस एफ1 पर बनेगा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज्ड होगा, ठीक है, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। दूसरी सिचुएशन है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में कहीं पर भी रख दोगे तो कहाँ पर बनेगा, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, ठीक। और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस से डिफरेंट डिफरेंट केसेस पर दिया हुआ है, तो आप इस टेबल को रीड करें, अच्छे से देखें जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, डिफरेंट डिफरेंट फिगर, ठीक है, उनको समझने की कोशिश करें कि कैसे हो रहा है, और अपने आप रे डायग्राम बना करके देखें, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, एज वी हैव अ फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स, वी ऑल्सो हैव फार्मूला फॉर स्फेरिकल लेंस। जैसे कि हम लोगों ने मिरर्स के लिए फार्मूला देखा था 1/F = 1/U + 1/V, सेम वैसे ही लेंस के लिए फार्मूला होता है, वहां पे हमने डेराइव किया था, यहाँ पे हम डेराइव नहीं करेंगे, डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, वहां पे मैंने केवल डेराइव बता दिया था, सेम वैसे ही अगर आप डेराइव करना चाहेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा ना, सेम वैसे ही, सिंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लगा करके। तो जब आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि 1/F = 1/V - 1/U,
यू क्या होगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वी क्या होगा इमेज की डिस्टेंस, सेम सारे पैरामीटर सेम है, कोई भी पैरामीटर नया यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस होता है 1 upon v - 1 upon u = 1 upon f, इसी फॉर्मूले का हमको यूज करना है आगे कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। द लेंस फार्मूला गिवन अबव इज जनरल एंड वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर एनी स्फेरिकल लेंस, कोई भी स्फेरिकल लेंस होगा सभी के लिए ये वैलिड फार्मूला है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ साइंस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज व्हाइल पुटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लेंसेज, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमको ध्यान में क्या रखना है कि एक्चुअल हम साइन रखें, जो भी क्वांटिटी हम देख रहे हैं वो लेफ्ट में राइट में उसका साइन क्या होगा, ये चीज हम सही से रखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे फॉर्मूले। नेक्स्ट चीज आती है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन एक्चुअली में क्या होता है, मैग्निफिकेशन है इमेज का साइज डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का साइज, यानी कि साइज ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। The magnification produced by a lens similar to that of a spherical mirror is defined as the ratio of the height of the image and the height of the object. Magnification is represented by the letter M. So, ये already हमने mirror के case में देखा था ना, M से ही लिख रहे थे, ठीक है। If H is the height of the object and H dash is the height of the image given by a lens, then the magnification produced by the lens is given by M is equal to height of image divided by height of object. H dash upon H. और जब हम और इसको फर्दर एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो मैग्निफिकेशन होता है वो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है v upon u के। v क्या है, v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज और u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से इंटर रिलेटेड होता है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है और उसके बाद यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स हैं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैसे होगा, उसके बाद हम लोग पावर देखेंगे, पावर के बाद ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है सिचुएशंस, ये एग्जांपल्स हैं, तो ये मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ कैसे लगा हुआ। जैसे यहाँ पे आप देखिए तो क्या है, अ कॉनकेव लेंस, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस की पिक्चर एकदम माइंड में बननी चाहिए, किसकी पिक्चर बननी चाहिए, कॉनकेव लेंस की। अब कॉनकेव लेंस की बोल रहा है कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो ये 15 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। कॉनकेव की बात कर रहा ऐसे, कॉनकेव ऐसे होगा तो हम जनरली एक ही साइड का लेके चलते हैं ना, तो इधर लेके चलेंगे तो ये लेफ्ट साइड में मेजरमेंट है और लेफ्ट साइड में मेजरमेंट के लिए क्या होता है नेगेटिव होता है, हम ऑलरेडी साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं तो बहुत ज्यादा अब उसको देखने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट साइड में अगर हम मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा, राइट साइड में क्या होगा पॉजिटिव। तो कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव ऐसा होता तो लेफ्ट साइड में जाएगी फोकल लेंथ, क्या हो जाएगा नेगेटिव। और एट व्हाट डिस्टेंस should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 cm? Image की बात कराने की v दिया है, ठीक है, v दिया है तो v हमने रख लिया, कितना रखेंगे -10 cm। Concave की बात कर रहा है, image इधर ही बनेगा, है ना, इसलिए -10 cm। From the lens also find the magnification produced by the lens. तो हमको u चाहिए, तो v given है, f given है, u क्या है, फार्मूले में आप पुट करोगे, फार्मूले में आप पुट करोगे तो आपको u मिल जाएगा, है ना, u यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो u मिल गया -30 cm। उसके बाद और क्या पूछ रहा है कि इसका मैग्नीफिकेशन बताओ, मैग्नीफिकेशन क्या होता है v upon u, तो v upon u कर देंगे तो हमको मैग्नीफिकेशन आ जाएगा ना 0.33। इस तरीके से हमको लगाना है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, हम मिरर पढ़ चुके हैं, मिरर के क्वेश्चन लगा चुके हैं तो आइडिया होगा कैसे हमको इस फॉर्मूले को यूज करना। बस ध्यान में रखना है कि यहाँ पर माइनस होता है ना 1 upon v - 1 upon u। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 2 cm टॉल ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, ठीक है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, ऑफ फोकल लेंथ 10 cm। तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, फोकल लेंथ हम इधर वाली लेंगे ना, तो कितना हो जाएगी +10 cm हो जाएगी, तो फोकल लेंथ क्या होगी +10 cm, ठीक है, राइट साइड में हम देखेंगे ना, इस साइड वाला पहले सरफेस को हम लेके चलते हैं, अगर कॉन्केव लेंस है तो पहला सरफेस ऐसे बनेगा, ठीक है, तो इधर वो होगी उसकी फोकल लेंथ, अगर बात करेंगे कॉन्वेक्स की तो पहला सरफेस हमको ऐसे मिलेगा तो इधर होगी, ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव पहला सरफेस भी लिया जाता है, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई +10 cm हो गई। और क्या बोला गया है, 2 cm टाल है तो ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है ना 2 cm। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंथ इज 15 cm, ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 15 cm, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी कितना है 15 cm, यानी कि यू दे रखा है, यू किधर होगा इधर लेफ्ट साइड में रखेंगे तो नेगेटिव होगा ना, u = -15 cm, ये हो गया।
और ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो इतनी चीजें हमको दे रखी है। हमें पूछ रहा है इमेज की डिस्टेंस, तो इमेज की डिस्टेंस कैसे निकली, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, 1/v - 1/a इज इक्वल टू एफ। तो इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/u + 1/f। यहाँ पे u और f की वैल्यू पुट करो, v आ जाएगा, v कितना आ जाएगा हमको 30 मिल जाएगा ना, +30। +30 का मतलब राइट साइड में मिलेगा ना, राइट साइड में इमेज बनता भी है, इस साइड में +30 हो गया। ठीक, और क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन से अगर इमेज की हाइट चाहिए तो ये देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटे हाइट ऑफ इमेज, v/u। v/u की वैल्यू आ रखी है, यहाँ पे रखो हाइट ऑफ इमेज h डैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा 2, यहाँ पर आप रखोगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 × ये v/u मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, माइनस से माइनस मतलब नीचे की तरफ, तो इन्वर्टेड इमेज बनती है ना, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन -2 होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस। पावर क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कम होगी तो बहुत ही नजदीक जो है उसको डाइवर्ज कर देगा, ठीक है, कन्वर्ज कर देगा, और फोकल लेंथ ज्यादा बड़ी होगी तो बहुत दूर ले जाकर कन्वर्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स by focusing them closer to the optical center. Similarly, concave lens of very short focal length causes higher divergence than one with longer focal length. The degree of convergence or divergence of light rays achieved by a lens is expressed in terms of its power. The power of lens is defined by the reciprocal of its focal length. It is represented by the letter P, and the power P of a lens of focal length F is given by P is equal to 1/f. और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है डायोप्टर। ठीक, तो यहाँ पे बात ये बोली जा रही है कि अगर जैसे कि लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, तो हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये क्या करता है, पैरेलल रे आती है तो इसको डाइवर्ज कर देता है ना ऐसे। ठीक, तो जितना कम इसकी फोकल लेंथ होगी, जैसे कि ये एक फोकल लेंथ हो गई, अगर मान लेते हैं यहाँ पर फोकल लेंथ होती तो ये क्या करता है, यहाँ पर ऐसे कन्वर्ज करता ना, यहाँ पर इस जगह पर। तो यहाँ पर देखो एंगल क्या है, ये सीधी ऐसे जा रही थी, यहाँ पर कन्वर्ज करेगा तो इतना ही एंगल फॉर्म होगा, इतना ही एंगल से डेविएशन होगा, लेकिन अगर यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है तो एंगल देखो इतना हो गया ना, तो बहुत ज्यादा एंगल से कन्वर्ज कर दिया, तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस क्या, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है। ठीक है, और ऐसे ही अगर कॉन्केव लेंस होता तो ये डाइवर्ज करता, ठीक है ना, एंगल से ये उसकी एक्चुअल डायरेक्शन इधर से इतना डाइवर्ज करता। ठीक, तो जितना ज्यादा कम होगी फोकल लेंथ, ठीक है, जितना ज्यादा कम होगी उतना ही ज्यादा क्या होगी, कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग पावर होगी। ठीक, तो पावर को हम डिफाइन करते हैं किससे, कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी कि f का रेसिप्रोकल, f जितना ज्यादा पावर उतनी कम, f जितनी कम पावर उतनी ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से तो पावर का फार्मूला क्या बनेगा, पावर का फार्मूला बनेगा p इज इक्वल टू 1/f। ठीक, और इसका यूनिट क्या होगा, डायोप्टर, किससे लिखते हैं, d से लिखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर, इट इज नोटेड बाय द लेटर कैपिटल d। इफ f x expressed in meters, then power is expressed in diopter. तो diopter में जब होगी unit, तो ये ध्यान में रखना है कि जो focal length होगी किसमें होनी चाहिए, meter में होनी चाहिए। ठीक है, thus one diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. तो अगर focal length 1 meter है तो 1/1 क्या हो जाएगा, p is equal to 1 हो जाएगा, 1 diopter हो जाएगा। ठीक है, you may note that the power of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative. क्यों, क्योंकि भाई फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है ना, p इज इक्वल टू 1/f है, f पॉजिटिव होगा तो p भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, f नेगेटिव होगा तो p नेगेटिव होगी, तो सीधी सी बात है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं इसलिए पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव के लिए क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, मेनी इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लेंसेज। आप सोचो कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें बहुत सारे लेंसेज हों, मिला करके बनाओ, सबकी पावर क्या हो, p1 p2 p3, ऐसे पावर हो, तो क्या करेंगे, जब कंबाइंड हम पावर देखेंगे तो हम ऐड कर देंगे सर, तो कंबाइंड पावर क्या हो जाएगी, p1 + p2 + p3, तो सारी पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि दो लेंसेज हो, 2 diopter के और 0.25 diopter के, अब इसको हम मिला करके बना रहे हैं, ठीक है, इनको कंबाइंड करके एक नया सिस्टम बना जिसमें दोनों के दोनों लेंसेज हो, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2.25 degree क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट पावर हो जाएगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लें, ठीक है, इनको पढ़ें आप। जैसे कि आप आई टेस्ट के लिए क्या होता है, आई टेस्ट के लिए जाते हैं तो एक आपको मिरर लगा देगा उसमें, तो एक आपको
वो लगा देगा ना, चश्मा लगाएगा जिसमें एक बार लेंस फिट करेगा, ठीक है। अगर कम रहा तो फिर उठा करके फिर उसी के सामने रख देगा। तो बैक टू बैक आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको कहीं कहीं ना कहीं पर ऐसे सिस्टम देखने को मिल जाएंगे जहां पर एक लेंस नहीं, दो तीन लेंसेज लगे हुए हैं, ठीक है। दो तीन लेंसेज लगे हुए, जैसे कि मान लो एक लेंस ऐसे लगा है, फिर एक लेंस ऐसे लगा दिया, फिर एक लेंस ऐसे लगा दिया, तो क्या होगा, इसकी पावर P1 है, इसकी P2 है, इसकी P3 है, तो क्या होगा, ये सब की पावर ऐड हो जाएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। ऐड होकर के ये जो P इक्विवेलेंट होगा, ये हमारी इफेक्टिव पावर होगी, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, ये हमको ध्यान में रखना है कि अगर दो तीन, ठीक है, अगर दो तीन लेंस हैं और इकट्ठे करके हम कोई एक नया सिस्टम बनाना है, तो उसकी पावर जो होगी सबका क्या होगी, सम। ठीक, तो यहाँ पे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, जो भी हम लोगों ने अभी थियोरी पढ़ी उसी की बेसिस पे एक क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई करें। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर वन जो है, इसके सारे कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाते हैं। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें, ठीक है। जो नहीं आता होगा वो तो हम मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और साथ साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। एक्सरसाइज के साथ जो भी क्वेश्चंस हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हम कुछ अलग से भी न्यूमेरिकल्स में करा करके अगले क्लास में इस चैप्टर को एंड करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ओके।